Welcome to EJT once again. I am back with another video. In this video, we will discuss that what should we do after the FCAT exam is over. And friends, as you all know that many of us candidates still has a doubt whether they would qualify or not. And the rest of the doubtful that they would get good marks or not, and that they would pass with the flying colors or not. So I made this video to clear all the doubts. And if you still have any query regarding with this FCAT exam or any other defense exam like CDS, NDA, you can mail me on my email address is anuj1234josi@gmail.com and my WhatsApp number is 9045844523. दोस्तों बात कर लेते हैं कि FCAT का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर हमने 65 किए हैं, ये किए हैं. तो जितने भी कमेंट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी कमेंट्स में क्वेरीज आई हैं, तो उनका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ और सारी बातें क्लियर करते हुए चलूँगा. कुछ भाई साहब हैं जो माँ बहन की गालियों पर आ जाते हैं, है ना, और एक ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं और माँ बहन की गालियाँ कर रहे हैं, वो भी बिना मतलब के, ठीक है ना. मैंने सिर्फ कट ऑफ अपने एक्सपीरियंस और अपने अजम्पशंस में दी थी, ठीक है ना. जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो मेरे भाई होता क्या है कि मैं, चलो अपने बारे में बताता हूँ. मैंने 11 बार SSB दी है भाई, मेरे हुआ नहीं है, वो बात अलग है, जिसमें से मैं 5 कॉन्फ्रेंस और 6 स्क्रीन आउट हूँ, ठीक है ना. मैं क्लियरली बोलता हूँ, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है. मैं 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ और 6 बार स्क्रीन आउट हूँ, ठीक है ना. 6 बार मैंने FCAT दी है, 6 बार FCAT दी है, 4 बार आपकी CDS दी है और 1 बार मैंने आपकी NDA दी है और मैंने अलग अलग बोर्डों में जाके दी है, ठीक है ना. तो हाँ ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये मेरे बारे में था कि मैंने कितनी SSB दी है. और मैंने जब 6 बार FCAT क्वालिफाई किया, मैंने आज तक जितनी बार भी FCAT दिया है उतनी बार मैं FCAT क्वालिफाई हूँ. मैंने CDS दिया है लेकिन मैं CDS में 1-2 बार क्लियर नहीं हुआ था, 4 बार क्लियर हुआ हूँ. शुरू के मेरे अटैम्प्ट है जब मैं BSc में था, तो जब मैं BSc में था 2015 के, तब मेरे CDS के पेपर नहीं निकले थे. CDS के पेपर मेरे 2016-2017 में निकले हुए, ठीक है. NDA मैंने 2012 में निकाला था. तो जितने भी मैं जो चीज़ें आपको बोलता हूँ, ये मेरी सब एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी एक्सपीरियंस लिए हुए हैं जो उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं. तो सबसे पहले जो बात आई थी दोस्तों, अब कोई बोलेगा कि इस बार, अच्छा मैं कोई सर सुर नहीं हूँ, मैं आप लोगों के जैसे एक लड़का ही हूँ और मेरी एज अभी 23 है और मैंने अब डिफेंस का एग्ज़ाम देना छोड़ दिया, क्योंकि कई बार होता ही है कि लाइफ आप कहीं और ले जाना चाहती है और आप कहीं और जाना चाहते हैं. मे बी ऐसा होगी जो डिफेंस है वो मेरे लिए नहीं बनी है या मैं डिफेंस के लिए नहीं बना, ठीक है ना. अब गॉड ने मेरा जो डेस्टिनी होगी वो कहीं और डिसाइड की होगी, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया, मैं किसी और चीज़ की तैयारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ. लेकिन मेरे पास जितना नॉलेज है वो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं वेरियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा हूँ, है ना. तो मैं वहाँ जाके थोड़ा बहुत अपना टाइम काट लेता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ. तो कई लोगों ने थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन उठाए कि सर आपने, आपके पढ़ाई में से नहीं आया. तो दोस्तों उसमें से आया था, लेकिन आप उसको जज नहीं कर पाए कि कौन सा है. किसी ने FCAT के मैथ्स की वीडियोज नहीं देखी, मैंने जबकि डाली भी थी, जो लास्ट की, अगर आप 2-3 जो लास्ट की 1-2-3 वीडियो, मैंने 3 मैथ्स की वीडियोज डाली है ना, उनमें से डाके आप भी देखोगे ना, टाइम एंड वर्क को मिला के देखोगे, तो आपको दिखेगा हर, मतलब 18 क्वेश्चन में डायरेक्टली 5 से लेकर 7 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पुटअप हो रखे थे. और जो ये FCAT की दूसरी तीसरी वीडियो है उससे तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही आ गए थे, ऐसे ही. अगर आप अभी भी विश्वास नहीं करते तो अभी भी जाके वो 2-3 FCAT की मैंने मैथ्स नाम से डाली होगी, उसमें जाके देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिले होंगे, ठीक है ना. तो और ये भी होता है दोस्तों, एक ऑफिसर कभी किसी को ब्लेम नहीं करता है. आप अगर किसी को ब्लेम कर रहे हो ना, तो चलो आपको थोड़ी सी एक मोटिवेशनल भी स्टोरी सुना देता हूँ. जो एक कार होती है, एक ड्राइवर होता है, वो क्या करता है, रोडों पे खंबे आते हैं और सीनरीज आती हैं, नदी आती है, कुछ भी आता है, बंदर बुंदर रहते हैं. तो जो पीछे लोग बैठे रहते हैं ना, वो तो सब इंजॉय करते हैं, बंदरों को इंजॉय करते हैं और सीनरीज को इंजॉय करते हैं, ठीक है, सब चीज़ को इंजॉय करते हैं. लेकिन जो ड्राइवर रहता है ना, वो सिर्फ रोड पे कंसंट्रेशन रखता है. किस पे रखता है? रोड पे कंसंट्रेशन रखता है. अगर रोड ने इधर उधर गर्दन घुमाई तो एक्सीडेंट तो हो जाएगा ना मेरे भाई. तो वही है, वही लोग आप करते हो. आप लोग क्या करते हो, 1-2 दिन सीरियसली तैयारी करते हो, तीसरे दिन से गायब हो जाते हो. अगर आप लोग मेरी वीडियोस के व्यूज़ देखोगे ना, तो किसी वीडियोस में आपके 200-300 व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे 100 व्यूज़ भी नहीं मिलेंगे.
ऐसा क्या कारण था कि आप लोग नहीं देख पाए? क्या आपको 24 घंटे में से टाइम नहीं मिल रहा था? और किसके लिए टाइम नहीं मिल रहा था? आपके लिए, जब अपने आपके पास अपने लिए टाइम ही है ना मेरे दोस्त, तो गौरव के लिए क्या बात की जाए? तब आप ऑफिसर बनने के सपने छोड़ दीजिए। अब कोई कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, सुबह से लेकर शाम तक टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे भाई आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर ऑफिसर बनना चाहते हो ना, तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आप पढ़ना है, क्योंकि जब आप वहाँ जाओगे ना SSB में, तो सब कुछ निकल जाएगा आपका बाहर। इंटरव्यू, GTO, जब साइकोलॉजिस्ट आपके करने शुरू करेंगे ना, तो आपको सब कुछ बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से ना करें, अपने आपकी अपनी पर्सनैलिटी चेंज करें। एक भाई साहब हुआ है, वो तो मैंने कट ऑफ पिछले वाली वीडियो में कट ऑफ बोली 162-170, वो तो माँ बहन की गालियाँ करने लग गया मेरे को, ठीक है ना? तो उसकी पर्सनैलिटी दिख रही है, ये यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा नहीं होगा, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में क्या होगा, गाली देना आ जाएगा, हर समय गाली देना, किसी को भी गाली देना, ठीक है ना? और ये क्या होगा, जब इंटरव्यू के सामने बैठेगा ना, तो इंटरव्यूअर इतना प्रेशराइज करता है ना, कि मुंह से सब कुछ जो तुम रियलिटी में होते ना, सब कुछ बाहर निकल जाती है, सब कुछ बाहर निकाल देगा सब कुछ, क्योंकि आप आपकी आदत तो बनी हुई है कि अपने आपको सेट, अगर आपको आपके सेट अपने को सेटिस्फाई करना, अगर आपके जो चीज़ें आप चाहते हो वो कोई ना बोल रहा हो, तो आप गाली गुली पे उतर आते हो, ठीक है ना? और यही गाली गुली वो आप निकाल देगा वहाँ पे बाहर। पर्सनैलिटी कैसे खराब हो रही है? मेरी पर्सनैलिटी नहीं खराब हो रही है, आपने तो गाली दी, मैंने उसको कमेंट को डिलीट कर दूंगा, क्या करोगा, कुछ कर सकते हो? नहीं, और डिलीट भी नहीं करूंगा तो क्या इफेक्ट कर रहा है मेरी लाइफ में? कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, इस बात को समझें, है ना? मैं ये नहीं कहता कि आप गाली गुली मत दो, अपने दोस्तों से दो, अपने अपने दोस्तों की बेइज्जती करो, अपने दोस्तों के साथ बी फ्रेंडली रहो, लेकिन उसको किसी को भी पेल रहे हो आप, तो आप मुझे जानते नहीं हो, बस लै पेल दी, जानते नहीं हो यार, दे देता हूँ गाली, क्योंकि क्या जा रहा है यूट्यूब पे कमेंट मारूं? भाई मेरे आपकी पर्सनैलिटी पे डिफेक्ट कर रहा है ये, क्या कर रहा है, आगे पर्सनैलिटी पे डिफेक्ट कर रहा है। इस चीज़ को समझें कि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ के लिए, अपने थॉट्स के लिए, अपनी बातों के लिए, आपके अपने काम के लिए। मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी जगह बैठ के पेपर नहीं दे सकता, वो आपको देना है, आपको मेहनत करनी है। मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ तो आपको वीडियो देखनी है, आपको उससे नोट्स बनाने, कोई क्वेरी है तो पूछनी है। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, मेल दे रखा है। मैंने एक बोला था कि सबको एक वीडियो डाली थी कि जिस जिसको हिस्ट्री के PDF चाहिए तो वो मुझे मेल कर दे, मैं उसके हिस्ट्री के नोट जो मेरे पास शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, वो लेके ले लीजिए, वो आपको हो जाएगी। लेकिन किसी ने मेल नहीं किया, ठीक है ना? बहुत कम 3-4 लोगों ने मेल किया था उसी PDF के लिए, उस वीडियो को तो देखना भी पसंद नहीं किया किसी ने, है ना? तो यही थॉट, यही बातें मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको होता क्या है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, और हम दूसरे को जाके बोलते हैं कि नहीं इसने किया खराब, ठीक है ना? तो चलो, अब बहुत इतनी बातें तो आपको समझ आ गई होंगी। एक बुक है जो मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है द एल्केमिस्ट। मोस्ट ऑफ द आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, अगर पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ी है तो जो पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशनल बुक है, और आपको लाइफ की डायरेक्शन दे देगी ये, ठीक है ना? आपको जीने का थोड़ा तरीका बताएगी ये, कि जो आपके साथ होता है, कभी कभी हम बहुत नेगेटिवली चले जाते हैं कि भगवान मेरे साथ हर समय ऐसा क्यों कर रहा है, तो आप लोग ये बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है द एल्केमिस्ट, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या कहीं पे भी आपको बुक स्टोर होंगे आपके घर के आसपास वहाँ मिल जाएगी। अब रही क्वेरी बात के क्या क्या क्वेश्चन उठे थे, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठा था मेरे फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता दूँ, किसी ने पूछा कि सर मैंने 60-65 क्वेश्चन कर रखे हैं तो मेरा सिलेक्शन क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये आया था। तो मेरे भाई अगर देखो भाई 60-65 क्वेश्चन हमने आप लोगों ने कर रखे हैं, तो आप लोग ये श्योर तो नहीं होंगे कि आपने जो 65 किए हों बिल्कुल सही है, पूरी एक्यूरेट है 65 के 65, उसमें से एक दो क्वेश्चन भी गलत होंगे, ठीक है ना? तो हम कभी भी एक्यूरेसी पे पहले बात करें, एक्यूरेसी नहीं दे सकते हो आप कि आपने बिल्कुल सही किए हुए हैं किए नहीं किए हुए, ठीक है ना? कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है, कुछ प्रेशर की वजह से होता है, क्या पता आपको आया भी हो लेकिन आपने इधर उधर देख के कुछ गलत कर दिया हो। तो जिन लोगों ने एक्यूरेसी, चलो बात कर लेते हैं, चलो जिन्होंने एक्यूरेसी किया 100% श्योर है कि उन्होंने 65 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन किए और एक्यूरेट किए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उनका क्या होगा, पक्का होगा, पक्का सिलेक्शन है। लेकिन जिसको थोड़ा सा भी डाउट है ना कि मैंने 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं या 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है ना, उनका थोड़ा डाउटफुल केस बन जाता है, ठीक है ना? क्या बन जाता है, डाउटफुल केस बन जाता है। इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, जैसे जब मेरा 221 मार्क्स आए थे उस समय मैं क्वेश्चन पेपर पे 87 क्वेश्चंस करके आया था, कितने क्वेश्चन कराया था 87, उसमें से मैंने 2-3 तुक्के भी मारे थे, मैं भी तुक्के में ऐसा नहीं कि मैं तुक्के नहीं मारता, मैं बहुत जेम्स हूँ, मैं कोई जेम्स नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह हूँ जिसने बस थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा है ना, बस ये वाली बात है कि किसी ने प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा की होती है, तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो मैंने किए थे 2-3 क्वेश्चन के आसपास तुक्के मारे थे, और ये था मैं मुझे लगा था कि मेरे अप्रॉक्स 240 के आसपास मार्क्स आ जाने चाहिए थे, अगर मैं 80 भी मान के चलूँ, ठीक है ना दोस्तों? तो मैं 240, लेकिन मुझे मिले कितने थे, 221 मार्क्स मिले थे, कितने मिले थे,
221 मार्क्स। तो होता क्या है दोस्तों, एफकेट के पेपर पे ना अगर आपके 180 आ रहे हैं तो उसमें से 20 मार्क्स लेस करके सोचें कि आपके कितने 160 के आसपास आपको मिलेंगे। अगर आपके 160 आ रहे हैं ना तो समझ लीजिए आपके 20 मार्क्स कम करके 140 आएंगे। एफकेट के पेपर में कभी भी आपको वही मार्क्स नहीं मिलेंगे जो आप अज्यूम कर रहे हो कि दैट यू विल गेट 240 मार्क्स, ठीक है ना। आपको हमेशा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, मेरे साथ एक एसएसबी का फ्रेंड बना था, मेरा लास्ट एसएसबी which I gave in the Varanasi board in April or February, maybe February. तो मुझे वहाँ एक दोस्त मिला था, तो वहाँ पे उससे बात बूत हो गई, मेरा दोस्त बन गया, हम साथ आए घर। उस समय मैं स्क्रीन आउट होता, लास्ट मेरी जो लास्ट थ्री अटैम्प्ट थे उसमें मैं तीनों में स्क्रीन आउट हूँ, और जो मेरा जून में SSB हुआ था उसमें भी मैं स्क्रीन आउट हूँ, ठीक है ना। तो फरवरी में एग्जाम हुआ तो मैंने पूछा कितने मार्क्स आ रहे, तो उसने कहा कि मेरे 160 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हो जाएगी तेरी पेपर क्लियर हो जाएगा। तो जब रिजल्ट आया 150 वाज कट ऑफ, ठीक है ना, 150 और 155 वाज कट ऑफ, एंड ही गॉट, उसने 160 के आसपास लगाए थे कि 160 पास तो आ ही जाएंगे, किए तो उसने थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन थे, लेकिन वो अज्यूम कर रहा था कि उसके 160 मार्क्स आ जाएंगे। लास्ट में जब उसके मार्क्स आए तो उसके मार्क्स आए थे आई थिंक 145 के आसपास उसके मार्क्स आए थे, वो 10 कट ऑफ से 10 नंबर फेल था। तो जो लड़का पहले एफकेट क्लियर था बाद में एफकेट फेल हो गया, क्यों, इसी वजह से, क्योंकि आप कभी भी जो आप सोच रहे हो कि आपको 180 मार्क्स मिलेंगे, 160 मार्क्स मिलेंगे, वो उससे आप 20 मार्क्स कम करके करें। जो लड़के कह रहे हैं कि मेरे 165 मैंने 65 क्वेश्चन किए, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा आपका 195 मार्क्स, लेकिन ये एक्यूरेसी है। अगर इसमें से उन्होंने 60 भी कर दिया तो 180 अगर उसमें से 20 कम कर दूंगा ना तो 160 चला जाएगा, जो क्या है, डाउटफुल केस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो आपका अब तो मेरिट ही बताएगी, लेकिन इसी के आसपास आपको मार्क्स मिलने को देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि मेरे 65 सही हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ उनके मार्क्स 160-170 एकदम एक्यूरेट, उनको 185 या 195 मार्क्स नहीं मिलने वाले मेरे भाई, हमेशा 20-25 नंबर क्या मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखें। कोई कह रहा था, एक क्वेश्चन उठा था कि सर 76 क्वेश्चन है, 76 क्वेश्चन में से मेरे 10 से 11 क्वेश्चन गलत है, मेरे भाई अगर मैं 10 से 11 क्वेश्चन की बात करूं तो यू आर डाउटफुल दैट तुम्हारे 10 हैं गलत, तुम उसमें भी श्योर नहीं हो, तो दैट मींस मान के चले थे 15 क्वेश्चन गलत है, तो हम आ गए 61 पे अगर मैं करूँ तो ये आ गया 183 मार्क्स में से अगर 15 क्वेश्चन के 5 मार्क्स गलत तो 178, मैंने कहा 20 मार्क्स कम हुआ तो 158, ये फिर से डाउटफुल केस आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुझे 158 ही मार्क्स मिलेंगे, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, लेकिन 20 नंबर के अप्रॉक्स अपने मार्क्स कम करके चलो। और मैंने एफकेट में बहुत बार देख लिया ये, मैं 6 बार एफकेट क्लियर हूँ, मैंने आपको बता दिया, और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बातें बता रहा हूँ कि एफकेट में जितने आप नंबर एज्यूम कर रहे हो ना उससे हमेशा कम मिलेंगे। जो लोगों ने पहले एफकेट का पेपर दे दिया होगा और वो उनका क्लियर नहीं होगा, जो क्लियर होगा वो तो वीडियोज नहीं देखेगा, लेकिन जो नए नए हैं, फ्रेशर्स हैं, और जो जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ, अगर वो वीडियोस देख रहे होंगे तो वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि उन्होंने अज्यूम जो किया था उससे क्या हुआ, उनके मार्क्स कम मिले होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से 65 जो 60-65 वाले बच्चे हैं, या इसे 50-55 वाले बच्चे हैं जो थोड़ा सा अज्यूम कर रहे हैं कि उनका पॉसिबिलिटी केस है, मतलब हो जाएगा, श्योरिटी में आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा आपका पॉसिबिलिटी केस है, आप ना डाउट हो और ना आपका नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, ठीक है ना। इसलिए अपने आपको ऐसा ना सोचें कि बस आप निकलोगे ही निकलोगे, आप बिल्कुल नहीं निकलोगे, इस तरह के डाउटफुल केस में ना आए। अपने आपको जो आपने आप पेपर दे चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप पेपर दे चुके हैं, बस आप वेट कर सकते हैं रिजल्ट का, और जब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो SSB की प्रिपरेशन करते रहिए। आज नहीं तो कल आपका पेपर क्लियर होगा, और आपकी SSB की जो प्रिपरेशन आज कर रहे हो ना वो आपके बाद में क्या करेंगी, फायदा करेंगी। प्रिपरेशन कभी कहीं नहीं जाती है, ठीक है ना, आपको नॉलेज मिलता रहेगा, नॉलेज कहीं नहीं जाएगा, आपको हर चीज़ का नॉलेज मिलता रहेगा। तो जो लोग डाउट है कि SSB की तैयारी करूँ ना करूँ, वो अभी मेरी बात समझ लें, आप SSB की तैयारी करते रहे, लेकिन जिसने मेरे भाई 40 क्वेश्चंस किए हैं या 45 क्वेश्चन किए हैं वो तो ना ही मान के चले, सिंपल सी फंडा बात है, जिसने 50 से कम क्वेश्चन किए हैं, जिसने 50 से क्वेश्चन कम किए हैं वो थोड़ा सा अपने को ना ही मान के चले, और वो 2019 की प्रिपरेशन करें, डायरेक्टली बात है, ठीक है ना। तो कट ऑफ 150 से ऊपर जाने की ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरे बात ये उठी थी कि एफकेट का पेपर, जो एफकेट का जो पेपर है वो मेरिट में काउंट होता है कि नहीं होता है, मेरिट में काउंट होगा कि नहीं होगा। तो एक कोई लोग हैं जिन लोग क्या करते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं और उनको गलत गलत इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो मेरे भाई एफकेट का जो पेपर होता है और SSB के जो मार्क्स होते हैं, एफकेट के जो मार्क्स होते हैं और जो SSB के मार्क्स होते हैं उससे जाके आपकी मेरिट बनती है, तो इसको नेगलेक्ट ना करें। कई लोग बोल रहे हैं कि एफकेट के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ SSB के मार्क्स जुड़ते हैं। भाई मेरे जो ओपन एंट्रीज होती है ना, डायरेक्ट एंट्रीज या ओपन एंट्रीज होती हैं, उनमें SSB के मार्क्स जुड़ते हैं, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं होता है, वो करते हैं BTech वाले,
बीटेक वालों के लिए होती है, और डायरेक्ट एंट्री ओपन एंट्री या फिर आप कोई अलग से आपके पास टीसीएस वगैरह कोई कोर्सेज, ठीक है ना, तो एफकैट के मार्क्स काउंट होते हैं भाई। थोड़ा सा लॉजिकल माइंड भी लगाएं कि अगर एफकैट के मार्क्स नहीं जुड़ रहे होते, अब जो लोग बोलेंगे कि अगर एफकैट के मार्क्स मेरे भाई नहीं जुड़ रहे होते ना, तो एसएसबी का सब जो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ एफकैट के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, मेरिट में सिर्फ एसएसबी के मार्क्स जुड़ते हैं, तो मेरे भाई एफकैट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर कर देते, सिर्फ क्वालिफाई का लेना होता था, लेना देना होता कि जो क्वालिफाई हुए हैं वो एसएसबी जाएं, फिर एसएसबी में नंबर गेन करें और तब जाके। यहां पे क्यों लड़के कर रहे हैं कि मेरे 180 आने चाहिए, मेरे 190 आने चाहिए, मेरे 200 आने चाहिए, क्यों? थोड़ा लॉजिकल सोचो यार इस बात को लेके, एक ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। और सबसे पहले चीज, ऑफिसर बनने के लिए कामनेस होनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। जो काम लोग होते हैं ना, चाहे वो गाली भी दे रहा होगा, एटिक्वेट्स वाली वाली बात नहीं है, गाली भी दे रहा होगा ना, लेकिन उसके अंदर कामनेस होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल बातें सोचे, ठीक है ना। और बहुत सारे आप लोग ऑयल क्यों सुनेंगे, तो उसमें से मैं जो बेसिक बता रहा हूँ, आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हो, क्वेश्चन दूसरों से पूछने में लग रहे हो कि भाई एफकैट के पेपर में ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आपको नॉलेज चाहिए तो यू कैन आस्क, है ना। कोई कुछ बोल रहा है तो उसमें सेटिस्फाई हो जा रहा है, मैं कुछ बोलूंगा तो उसमें सेटिस्फाई हो जा रहा है। यार आपके कोई खुद के लॉजिकल थॉट्स नहीं है क्या? आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया कि हाँ इसमें जरूरत है, किसी और से पूछा उसने बोला नहीं जरूरत है, तो अच्छा ठीक है नहीं जरूरत है, पहले मुझसे बोल के गए हाँ ठीक है जरूरत है, वहाँ पे गए नहीं जरूरत है। अरे अपना लॉजिकल माइंड लगाओ ना कि हाँ जरूरत होगी, क्योंकि अगर एफकैट का मार्क्स नहीं होते काउंट, तो दैट शुड, जो एफकैट का नेचर होता है, एफकैट के पेपर का, वो क्वालिफाइंग नेचर होता, उसका एसएसबी से कोई वो नहीं होता, फिर एसएसबी में ही मार्क्स काउंट होते। तो यहाँ पे क्यों लड़के 180, 190, 200 कर रहे हैं? तो मतलब इसका मतलब है कि एफकैट के मार्क्स कहीं ना कहीं जरूरत है। दूसरी बात ये, जिस चीज में भी एग्जाम होगा वो एसएसबी में काउंट होगा, जैसे CDS, NDA सब काउंट होते हैं, तब जाके फाइनल मेरिट बनती है। तो किसी को गलत प्लीज रूमर्स ना फैलाएं ऐसे कि नहीं पड़ती, आपको रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, तो एफकैट के मार्क्स की बिल्कुल एसएसबी में पूरे जो आपके मार्क्स होते हैं एसएसबी में वो काउंट होते हैं, फिर उसकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें। तीसरा क्वेश्चन आया था कि एक लड़की का क्वेश्चन था कि सर गर्ल्स के लिए अलग कट ऑफ बनती है क्या? नहीं बनती है ना, नो इसके लिए क्या है, कोई अलग कट ऑफ नहीं बनती, ठीक है ना। मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए कोई भी अलग कट ऑफ नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली मैं बता देता हूँ होते क्या है, दो टाइप के कमीशन होते हैं, एक होता है आपका परमानेंट कमीशन, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC। ये होता है 15 साल के लिए, ये होता है आपका 20 साल के लिए, उससे आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, 15 साल के बाद आपको जॉब छोड़नी पड़ती है, ठीक है ना, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो जो मेल फीमेल होते हैं उसमें टोटल सीट 8 से लेकर 12 सीट तक होती है, और इन सीटों के लिए दोनों को फाइट करना होता है। अब जब दोनों को फाइट करना है तो देर इज नो स्पेशल प्रिविलेज फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, सो दे शुड फाइट फॉर द 8 और 12 सीट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। दोनों को क्या करना है, दोनों को एक साथ ही लड़ना है उन 8 से 12 सीटों के लिए। तो यहाँ पे कोई भी क्या है, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। तो कट ऑफ जो बताइए 160 to 170 के बीच में देखने को मिल सकती है, तो वो इन जो फीमेल्स है उनको भी यही होगी, ठीक है ना। फीमेल्स के लिए कोई अलग कट ऑफ नहीं होगी, और ना ही कोई अगर कास्टिज्म कास्ट का रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द अनदर कास्ट रिजर्वेशन, देर इज नो स्पेशल प्रिविलेज ऑल्सो टू इधर इट इज इन पेपर और इन SSB। ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, वही कट ऑफ होगी जो होगी। फिर चौथा क्वेश्चन आया था, किसी ने क्या बोला कि ठीक है ना, तो किसी ने बोला कि पेपर सॉल्यूशन। तो मेरे भाई मेरे को जैसे जैसे एफकेट के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं आपके एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं एफकेट के पूरे पेपर सॉल्यूशन दूंगा। और रही बात CDS की, CDS का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आउट हो गया, फॉर्म भर लीजिए अपना, आपको नेगेटिविटी मत करिए, ठीक है ना। और CDS का फॉर्म भरे, आपको जल्दी से जल्दी वीडियो लेक्चर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले मैं जो शुरू करूंगा वो है बायोलॉजी, और बायोलॉजी के साथ मैं करूंगा आपकी मैथ्स के वीडियोज डालूंगा आप लोगों के लिए। तो बायोलॉजी एंड मैथ्स की वीडियोज आपको मिलेंगी। अभिषेक भंडारी है उनका नाम, लोग कंफ्यूज कर देते हैं, कोई अगर अभिषेक कमेंट मार रहा है तो लोग सोचते हैं कि वो हमारी टीम में से है या हमारा कोई मेंबर है, तो उनका नाम है अभिषेक भंडारी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अभिषेक भंडारी सर आपके लिए क्या करेंगे, इंग्लिश की ग्रामर की वीडियोस बनाएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश की ग्रामर की वीडियोस आपको एज सुन एज पॉसिबल मिलना शुरू हो जाएंगी, वो ग्रामर सिखाएंगे आपको। मैं आपके लिए बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी GS में से, और आपके लिए मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत क्या करें, GS अगर आपको ज्योग्राफी के लेक्चर देखने, तो आप मेरे मैंने शुरू में तीन लेक्चर डाले हैं 30-30 मिनट्स के, वो देख लीजिए, वो आपको बेसिक्स मिलना शुरू हो जाएंगे ज्योग्राफी की। और एफकेट की भी ज्योग्राफी देख सकते हैं, मैंने इतनी बेकार नहीं बनाई है, ठीक है ना। हाँ उसमें थोड़ा कंटेंट कम है, लेकिन आप जाके उसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं आपके सेंस बनने के लिए। और
अब बात करते हैं जिन लोगों के कुछ लोग क्या है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, है ना, कुछ सोचते हैं कि बस लाइफ में क्या है कि पेपर क्लियर नहीं हुआ तो हम बस हो गया खत्म सब कुछ। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार पेपर क्लियर नहीं हुआ तो दूसरी बार क्लियर हो। मेरे भी तो CDS क्लियर नहीं हुए, 2015 के मेरे CDS क्लियर नहीं है, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने हिम्मत हार के बैठ गया, गया हो मेरे से हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। मेहनत करते रहो, ठीक है ना। लाइफ में जो एक चीज है, जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपकी मेहनत, ठीक है ना। मेहनत मेहनत करते रहो। और ये किसके हाथ में, ये किसी के हाथ में नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई। मैं आपको सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड करा सकता हूँ। मेहनत क्या करनी है, पढ़ना किसने है, रट्टा किसने मारना है, उसका उसके नोट्स किसने बनाने है ना, उसमें लॉजिक किसने लगाना है, वो है आप। मैं आपको बस प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप बस अपना कमेंट कर सकते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ सकता, आप क्वेरी कर रेज अप कर सकते हो, मैं उसके क्या करूंगा, आपका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। लेकिन रेज कौन करेगा, मैं करूंगा या आप करूंगा। मेरे भाई इस चीज को समझे, मेहनत एक चीज है जो है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। आपको सांस लेने के लिए भी ना अपने फेफड़े अंदर डालने पड़ते हैं, वर्क करना पड़ता है। आपकी बॉडी आपको जिंदा रखने के लिए अंदर ही अंदर कितनी प्रोसेस करती है, आप लोगों को पता नहीं है। तो वो भी तो अगर आपका हार्ट पंप करना बंद कर दे, तो मेहनत करना कम बंद कर दे, तो क्या हो जाए, मर जाओगे आप। उसी तरह आप अगर मेहनत नहीं करोगे ना, पढ़ाई नहीं करोगे, तो उसी तरह आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप जानते हो कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा है कि आप लोगों को ऐसे नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। अपने आप के ऊपर क्या करें, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। अपने ऊपर ऐसे अपनी प्लीज, ऐसे जो आप गालियां गुलियां देते हो ना भाई, मेरे कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये क्या कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी खराब कर रहे हो। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसके बाद दो गालियां और देने वाला है वो, तो मेरे भाई मैं आपको, मैं मेरा कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बेकार हो जाएगी। आज आप जो सोसाइटी में रह रहे हो ना, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, उसका आप एक बहुत ही गंदा भद्दा वो धब्बा बोलते हैं ना, जिसे एक सफेद कपड़े पे जो काले धब्बे लगाते हैं, वही हो आप लोग, जो गाली गुली बकते रहते हो दिन भर किसी को भी, है ना, हंसी मजाक पता नहीं किसी की माँ बहन करते रहते हो, जबकि उसकी माँ बहन ने क्या बिगाड़ा आपका, कुछ बिगाड़ा उसकी माँ बहन ने, जो आप किसी की माँ बहन को गाली देते रहते हो या किसी और को गाली देते रहते हो, है ना, कि नहीं हम तो चिल मार रहे हैं। अरे चिल मारने के लिए गाली देना जरूरी है क्या मेरे भाई, आपके दोस्त आपके साथ ऐसे ही सिंपल चिल नहीं मार सकते, है ना। बेइज्जती करनी है, ठीक है अपने दोस्त की बेइज्जती करो, बिल्कुल हक है आपका अपने दोस्त की बेइज्जती करना, लेकिन माँ बहन की गालियां देखे, उसकी माँ बहन को दोस्त है तुम्हारा, उसकी माँ बहन की गालियां बकने में लगे उसे, वाह। इससे पता चलता है कि आप कौन सी पर्सनैलिटी और कौन से सोसाइटी में और कौन से समाज में रह रहे हो आप, और कैसे आपके व्यक्तित्व है, कैसे आपके घर वालों के व्यक्तित्व होंगे जो अपने आपको ऐसी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, सब पता चल जाता है यहीं से, है ना। इंटरव्यूअर कुछ स्पेशल नहीं निकालता, वो आपसे आपके आपकी वो निकाल देता है। जो लोग गाली देते हैं ना, मुझे लगता नहीं इनके एग्जाम एग्जाम निकलते भी होंगे, जो ये लोगों को फालतू गालियां देते फिरते हैं ना, उनके उनका मेंटल लेवल बता देता है कि वो किस तरह के क्वालिटी के इंसान है। चाहे लोग मुझे, मैं जानता हूँ उसको आप दो तीन गालियां और देंगे इसके बाद, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और CDS की प्रिपरेशन किया, आपको जल्दी जल्दी वीडियोज मिलने शुरू हो जाएंगे। नेगेटिविटी ना हो, कोई बात नहीं, इस बार का पेपर नहीं निकला है, अगले बार का पेपर निकले, 2019 की तैयारी करने बैठ जाएं, अभी CDS का पेपर आ रहा है उसकी तैयारी करें। और जो एग्जाम्स आते हैं आप लोग, सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा कि आपने सिर्फ CDS या FKT एग्जाम भरा होगा, आपने और एग्जाम भी भर होंगे, आप वो देख सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों प्लीज, किसी को भी अगर आप यूट्यूब में किसी को भी फॉलो कर रहे हैं ना, तो प्लीज एटलीस्ट ये देख लें कि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा था, उसमें बोल रहा है कि एंटोनियम और सिनोनिम्स आएंगे और ये आएगा, करंट अफेयर आएगा, साइंस आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, ये आएगी। साइंस का एक क्वेश्चन भी नहीं था, इकोनॉमिक्स का भी एक क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। आज से नहीं, पहले से कभी इसे नहीं आ रहे, वो क्या होता है पुरानी बुकें पढ़ते हैं और उसे रखते हैं। अब मैं, उन्होंने किसी ने ये नहीं बोला कि ग्रामर आएगी, ग्रामर सिर्फ मैंने बोला था कि ग्रामर आएगी और आप देख लीजिए ग्रामर, और उन्हें भी बोला होगा किसी ने, बोला होगा तो किसी ने एग्जाम दिए होंगे, किसी ने पेपर क्लियर किए होंगे, तो आपको जरूर सही गाइडेंस देंगे, ठीक है ना। किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, फॉलो करें तो अच्छे से अपना लॉजिक लगा के फॉलो करें कि क्या सही है आप लोगों क्या गलत है, ये आपके सेल्फ डिसीजन है। बिकॉज यू आर, आप ऑफिसर बनने वाले, एक ऑफिसर के खुद के डिसीजन आते हैं, वो टीम वर्क करता है, दूसरों को चलाता है, खुद नहीं चलता है, ठीक है ना। ज्ञान लो पर एक सही जगह से लो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मोटिवेट रहिए, नेगेटिव होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।